क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। हमने ऑल्दो ये पहले क्वेश्चन करा हुआ है, इसमें एक पॉइंट है मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट। मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट बताइए क्या होता है, इसके अंदर एक पॉइंट है मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट। तो एक बार ये देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है, बस एक ये क्वेश्चन करते हैं पहले हम, ठीक है। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, अब यहां पे देखिए कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। कहता है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2012 बुक्स ऑफ उत्कल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑल्सो ऑल पॉसिबल फिगर, विजुअल है ये, हाँ बिल्कुल, ऑल पॉसिबल फिगर कैन क्रिएटेड। अब देखो यहां पे जो प्रॉफिट होता है ना, ध्यान देना, यहां पे प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट कितने तरीके का हो सकता है। एक प्रॉफिट हो सकता है कैश बेसिस पे, यानी जितना पैसा मिला है उसका। एक हो सकता है एक्रूअल बेसिस पे, एक हो सकता है कैश बेसिस, एक हो सकता है एक्रूअल, और एक हो सकता है एस्टीमेटेड बेसिस पे। हम न्यू पेज ही ले लेते हैं। यानी सर प्रॉफिट की मैं बात करूं, तो प्रॉफिट हो सकता है यहां पे, एक हो सकता है कैश बेसिस पे, एक हो सकता है हमारा एक्रूअल बेसिस, और एक हो सकता है हमारा एस्टीमेटेड बेसिस। एस्टीमेटेड बेसिस, तीनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। पहले हम एस्टीमेटेड को कर लेते हैं। मान लो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है सपोज 10 लाख का, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में मेरा जो मुझे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा 10 लाख का है, और इस 10 लाख में से मेरा जो एक्सपेंस होगा, एस्टीमेटेड जो एक्सपेंस होगा वो होगा मेरा मान लेते हैं 8 लाख। तो अब जो हमारा प्रॉफिट आया वो कितना आ गया, तो ये एक एस्टिमेशन प्रॉफिट हो गया कि इतना प्रॉफिट होगा। अब इस पे आ जाते हैं कैश बेसिस पे, और यहां पे मान लेते हैं मेरा सीपी जो है वो है 10 लाख, कैश रिसीव है मेरा 7 लाख, और वर्क सर्टिफाइड जो हो गया मेरा, ऑल्दो जो हम लगाते हैं वर्क सर्टिफाइड है वो मान लेते हैं हमारा सपोज फॉर एग्जाम्पल 80%, और जो सरप्लस है वो सरप्लस है हमारा, यहां पे तो प्रॉफिट हमने डायरेक्टली निकाला, और यहां पे देखो प्रॉफिट हमने क्या करा, सरप्लस के थ्रू निकाला 60। तो मैं सरप्लस ले लेता हूं कि मेरा जो सरप्लस होगा वो होगा मेरा 80%, नहीं वर्क सर्टिफाइड 80% की जगह पे मैं अमाउंट टर्म्स में रख देता हूं, वर्क सर्टिफाइड है मेरा 9 लाख, और सरप्लस मान लेते हैं 60,000 है, सरप्लस मान लेते हैं 60,000 है। तो कैश बेसिस अब मैं सरप्लस मेरा 60,000 है, और अगर देखा जाए तो मैं अगर वर्क करता हूं कितना, सर अगर मैं वर्क करता हूं 9 लाख का तो कैश रिसीव मेरा कितना हो पाता है, यहां पे बताओ कैश रिसीव कितना हो पा रहा है, 7 लाख। यानी जो भी मेरा प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से हम अगर 9 रुपए का हमारा काम है तो उसमें से मुझे कितना मिलने वाला है, सिर्फ 7 रुपए। तो कैश बेसिस पे अगर प्रॉफिट निकालना हो तो मुझे अपने प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट देना है, ठीक है। यानी हमारे पास कितना आएगा, 7 रुपए आएगा, तो 7 रुपए ऊपर हो जाएगा, और कितने में से 7 रुपए मिलेंगे, 9 रुपए में से मिलेंगे, बड़ी बेसिक सी बात है। और अगर मैं बोलूं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कंप्लीटेड 80% है, तब तो आपका एक फॉर्मूला लग जाता है, सर क्या फॉर्मूला लग जाता है, 2/3 इंटू में सरप्लस और इंटू में आपका 7/
नहीं, जो भी आ जाता है वट एवर, एक तो ये प्रॉफिट हो गया, एक हो गया एक्रूअल बेसिस पे, हम ये एक थोड़ा सा प्रोडक्शन कर लेते हैं कि हमें सारा पैसा मिलेगा ही मिलेगा। एक ये मान लो कि आपको सारा का सारा पैसा मिलेगा, अगर सारा पैसा मिलेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर, 2/3 इंटू में सरप्लस मान लेते हैं 60,000, तो अब कोई प्रोडक्शन है ही नहीं ना, सारा पैसा मिलेगा तो बस यही आ जाएगा हमारा, तो कितने प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है, एक कैश बेसिस का प्रॉफिट हो सकता है, एक एक्रूअल बेसिस का हो सकता है और एक एस्टिमेटेड बेसिस का हो सकता है, यानी कितने प्रॉफिट निकाल लिया, तीन। और जो हमने ये वाला जो प्रॉफिट निकाला हुआ है, ये वाला, ये पता है कौन सा निकाला हुआ है, ये हमने कैश बेसिस पे, ये कौन सा निकाला हुआ है हमने, एक बार बुक दिखाइए, बुक के अंदर क्वेश्चन यहीं पे निकाल के दिया, मैं निकाल के दो मुझे क्वेश्चन, जो ये उत्कल कंस्ट्रक्शन वाला है, पहले ही करा था ना हमने, बच्चे पूछ रहे हैं पीडीएफ। देखो बुक्स की पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको अवेलेबल है, उसी से करना है। पीडीएफ अपलोड हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट का ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड हो चुका है, बुक की पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, जो पीडीएफ मिलने वाला है वो क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा। बुक आपको परचेज करना है, चलिए मैं इसी में से कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। अब सर यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी दो सर्टेनिटी बन सकता है, ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है ना, एक हो सकता है ये कैश बेसिस पे और एक ये हो सकता है किस बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे लोगे तो सर पूरे 2 लाख का प्रॉफिट है, कैश बेसिस पे लोगे तो क्या करोगे, 2 लाख इंटू में 7/9 करोगे, यही करना होगा। तो यानी कितने तरीके से प्रॉफिट निकाले जा सकते हैं, चार। एक एस्टिमेटेड अगर आपका है तो वहां पे दो निकलेगा कैश और एक्रूअल, और आपका नॉर्मल जो सरप्लस निकाल रहे हो एक्चुअल के बेसिस पे वहां पे भी। अब इस वाले सवाल में आप देखिए, फिलहाल इस वाले सवाल में क्या कहता है, आप ध्यान से देखिए इसको, इस वाले सवाल में क्या कहता है, इस वाले क्वेश्चन में कहता है कि आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस, कहता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है ना, यानी सीपी दे दिया आपको कितने का, 10 लाख का, और देखो यहां पे कहता है एस्टिमेटेड कॉस्ट वुड बी 920, यानी सर कॉस्ट आपको इसको कंप्लीट करने का कितना बनने वाला है, 920। तो इसका मतलब आप प्रॉफिट कितना कमाने वाले हो, यहां पे 80,000 प्रॉफिट कितना कमाने वाले हो। अब इसके अंदर दो सिनेरियो बन सकते हैं, बताओ फटाफट कौन कौन से, एक कैश बेसिस पे और एक दूसरे पे। तो सर आपको यह भी पता होना चाहिए कैश रिसीव कितना है, तो सवाल में देखो कैश रिसीव आपको दे रखा है कितना, 360, और आपको दे रखा है वर्क सर्टिफाइड हमने निकाला था कितने का, 4 लाख का, पहले सवाल किया है तो आपको याद होना चाहिए 4 लाख का। तो अब यहाँ पे दो सवाल आ सकता है सर, एक तो ऐसा हो सकता है कि ये पूरे 80 को प्रॉफिट मान ले, अगर मैंने इस पूरे 80 को प्रॉफिट मान लिया तो किस बेसिस पे हो गया, एक्रूअल। दूसरा ये हो सकता है कि 80 का तो प्रॉफिट है लेकिन कैश तो 36, और यानी आप देखोगे तो अल्टीमेटली 90% ही हुआ हुआ है, तो 90% प्रॉफिट मान लीजिए तो कितना होगा, 72। आप बुक में चेक करिए, दो आंसर है, पहले ये दो आंसर वेरीफाई करवाइए फिर मैं अगला बताऊं, स्टार्टिंग के दो यही आंसर होंगे। पहले दो ये आंसर वेरीफाई कर लीजिए आप, कितने कितने आ रहे हैं दिखाओ, एक बार दिखाओ,
अच्छा वो तो लगाना ही भूल गए कि कितने परसेंट कंप्लीशन है। कंप्लीशन एक बार देखो, कंप्लीशन कितने परसेंट है हमारा यहाँ पे, तो 1/3 लग जाएगा सरप्लस का। अरे जब आपका 50% से बराबर होता है तो 1/3 इंटू में सरप्लस, तो ये सरप्लस है इसका कितना लग जाएगा, और ये भी सरप्लस है कितना लग जाएगा, तो कितना बन रहा है बताओ। चौबीस हजार, और इसका क्या बन रहा है, छब्बीस हजार। बुक में क्या आ रहा है, बत्तीस, तो दूसरे का आ रहा होगा ना, दिखाओ एक बार मेरे को, किताब ही दे दो, मैं इसमें से समझाई देता हूँ। क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये बत्तीस और अट्ठाईस, चार लाख रुपए आपका कैश रिसीव है, 80 का प्रॉफिट है, और सीपी आपका 10 लाख का है, सीपी 10 लाख का है। पहले मैं इसको थोड़ा स्पेस बना लूँ, एक मिनट रुके स्पेस बना लूँ। ये देखें 80,000 है, इसमें आपका हमने प्रॉफिट कैसे निकाला था, इस 10 लाख को बेस मान के, तो नीचे 10 लाख आ जाएगा, और वर्क सर्टिफाइड कितना था, कैश रिसीव कितना था हमारा, 4 लाख, इस बेसिस पे निकलेगा ये, यानी 32,000। और 32,000 का ये किस बेसिस पे, इसके बेसिस पे, अगर ये एक्रूअल है, अगर कैश पे लेके जाएं तो आपका 32,000 तो एक्रूअल है, क्योंकि 4 लाख का आपका क्या है, टोटली ले लिया। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि कैश बेसिस पे क्या मिलेगा, तो आपका 80,000 का प्रॉफिट था और कैश मिला 360, और 360 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना आ गया, 10 लाख, और ये आ गया 28,800। दूसरा सरप्लस की मैं बात करूं, तो ये सरप्लस आपने यहां से निकाला, जो कि कितना निकल के आया सर, ये सरप्लस निकल के आया था आपका 60,000, है ना। 60,000 का एक का आंसर तो हम निकाल चुके हैं, जो कि ऑलरेडी ये है, दूसरा आंसर एक्रूअल वाला नहीं निकाला था, तो एक्रूअल वाले के लिए क्या करेंगे, 60,000 इंटू में 1/3, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड कुछ है नहीं, तो कितने आ गई है, 20,000। तो एक आंसर, दो आंसर, तीन आंसर, और ये आ गया हमारा 4 आंसर, मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट आ जाइए, मैं नीट एंड क्लीन कर देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारा 10 लाख रुपए, एस्टीमेटेड कॉस्ट है, एस्टीमेटेड कॉस्ट कितने का है, 9,20,000 रुपए का, ठीक है। और यहां का जो सरप्लस है, यहां का सरप्लस आया आपका 80,000, और एक जो हमने पूरे अकाउंट से सरप्लस निकाला वो आया सर 60,000। और इसी सवाल में अगर मैं बात करूं कैश रिसीव की, तो कैश रिसीव है और आपका वर्क सर्टिफाइड है 4 लाख, तो ये 80,000 रुपए की आप इनकम तब अर्न करोगे जब आप पूरा कंप्लीट कर लोगे कॉन्ट्रैक्ट, है ना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तो सिर्फ कितने का कर पाए हो अभी तक आप,
4 लाख का, तो इसके दो पार्टीशन हो जाएंगे। अगर आप एक्रूअल बेसिस पे लेते हो तो सर आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है ना वो 4 लाख का ही कंप्लीट है, लेकिन अगर आप मान के चलते हो सर कैश बेसिस पे हम प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 360 कंप्लीट है। तो अगर आपका 4 लाख ही कंप्लीट है तो आपको क्या करना होगा, यानी 40% कंप्लीट है सीधी बात करूं तो मैं, और ये प्रॉफिट कितने पे है अगर आप 100% काम कंप्लीट करोगे तो है, समझ रहे हो बात। और आपका काम कितना हुआ 40, तो प्रॉफिट भी इसका कितने मानोगे आप 40%। तो इसी को कैसे करा इसने कि 80,000 को इंटू में 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कर दिया हमने, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 32,000। लेकिन अगर कैश बेसिस पे करोगे तो आपको प्रॉफिट जो 40% था वो घट के कितने परसेंट हो रहा है 36। तो यहाँ पे क्या करोगे सर, 80,000 इंटू में 360 डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा सर 28,800। ये तो बात हो गया आपका एस्टीमेटेड बेसिस पे, क्योंकि ये प्रॉफिट आपका एक्चुअल नहीं है, ये एस्टीमेटेड कॉस्ट है। अब एक्चुअल प्रॉफिट आपका ये निकल के आया, इसके अंदर भी दो सिचुएशन लगाओगे, या तो आप मानोगे कैश बेसिस पे या तो मानोगे आप एक्रूअल बेसिस पे, है ना। अगर कैश बेसिस पे मानते हो तो क्या करोगे सर, 60,000 और काम कंप्लीशन जो था वो सिर्फ और सिर्फ 40% ही काम कंप्लीट हुआ है, तो 40% में हमारा 1/3 अप्लाई होगा, कैश रिसीव हमारा 360 अप्लाई होगा, वर्क सर्टिफाइड हमारा 4 लाख अप्लाई होगा, जो कि कितना निकल के आ रहा था हमारा, शायद 18,000 निकल रहा था ना, ये जो निकला था, हाँ 18,000 रुपए। इस बेसिस पे करोगे तो 18,000, लेकिन अगर आप इस बेसिस पे आ जाते हो तो आपका प्रॉफिट तो 60 ही है, उस केस के अंदर आपका सिर्फ 1/3 लगेगा। आप ये समझ ही नहीं रहे, अगर आप मानते हो कि 100% हमारा प्रॉफिट होगा तो फिर ये वाला पार्ट हमें करने की कोई जरूरत है क्या, नहीं है। तो यानी यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा 20,000। तो सर हमने कितने प्रॉफिट निकाल लिए, नंबर वन निकाल लिया, इसके बाद कितने निकाल लिए, नंबर दो निकाल लिया, इसके बाद कितने निकाल लिए, नंबर तीन, और इसके बाद हमारा नंबर चार, चार प्रॉफिट हो गया, मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट ये हो गए। अब बताइए इसमें डाउट, अब बताइए इसमें डाउट। है कोई डाउट? तुषार का ओके, गुलशन का नो डाउट, और जितने स्टूडेंट देख रहे हैं किसी का डाउट? एक्रुअल वाला बता दो, एक्रुअल वाला कौन सा? एक्रुअल दो जगह पे है, एक एक्रुअल एस्टिमेटेड में भी आएगा, एक एक्रुअल एक्चुअल में भी आएगा। और मैं आप सभी स्टूडेंट को बोल रहे कि होमवर्क सर, होमवर्क सर, मैं आप सभी स्टूडेंट को एक बात बोलूंगा कि जितने भी सवाल हमने करे हैं ना, एक बार इसे सेल्फ भी करना बनता है। अगर सिर्फ मेरे बोर्ड पे करने से अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगे तो पेपर आपका अच्छा चले जाए, तो मैं अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 के 30 सवाल बोर्ड पे कर दूंगा, तब भी आपका पेपर वही रह जाएगा। तो एक बार ये मैंने किया है, आपको खुद भी करना पड़ेगा। सर एक्चुअल का पूछा है वंशिका ने, एक्चुअल का, वंशिका का एक्रूअल, तो एक्रूअल का मतलब क्या था, एक्रूअल था हमारा कि भैया 60,000 तो प्रॉफिट था ही, अब परसेंटेज 40% हुआ, तो 40% में रूल नंबर कौन सा लगा, वन था हमारा जीरो मानो, टू था हमारा 1/3 सरप्लस का करो, तो 1/3 कर दिया। अगर कैश बेसिस पे करता तो यहाँ लिखता मैं कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, जो कि कैश बेसिस पे है नहीं, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट है हम मान लेते हैं कि ये सारा मिल ही जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ 1/3 किया और इसको डिवाइड करा तो हमारा 20,000 आ गया।
क्लियर है? अब बच्चे क्या कह रहे हैं, सर पीडीएफ क्वेश्चंस का दे दीजिए। आपको कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, एक बार बोर्ड पे चेक कर लेते हैं कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। दे दिए हैं यहाँ पे तो थे क्वेश्चंस, 3, 4, 5, एक ये भी दे दिया, 6, ये 7 हो गया, आठ सवाल थे ना। अब हम बुक के क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब सीधा हम 10 ईयर के क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ठीक है? अब सीधा जो क्वेश्चन करूंगा मैं 10 ईयर का, 10 ईयर का क्वेश्चन मैं स्लाइड सारा लगा के, जिस बच्चे ने अभी 10 ईयर अभी आपको लेना नहीं है, और उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से ठीक है, तो हम 10 ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, बुक के नहीं करेंगे। बुक के जिसको भी करना होगा, एक आध सवाल मैं डाल दूंगा उसके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के, जो कर लोगे वो ठीक रहेगा। बाकी हम 10 ईयर के जितने भी है ना, पास्ट 8-10 सवाल वो कर लेना, इनफ टू इनफ रहेगा। बाकी जिसको बुक का करना है, वो बच्चा बुक का कर सकता है, वो आराम से कर सकता है। बुक के अंदर काफी सारे 4 से 5 आपके आंसर है, जिसके अंदर 4 या 3 आंसर ऐसे हैं जिसके अंदर आंसर के अंदर एरर है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, वो भेज देना। या फिर मैं ऐसा करूंगा, बुक का भी पूरा सॉल्यूशन वैसे मैंने सॉल्व करके कहीं तो मैंने रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ देख लूंगा मैं। अगर बुक के सारे सॉल्यूशन करेंगे तो वो मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप चेक कर लोगे अपना टैली, कहानी खत्म उसकी। मैं क्वेश्चन जो कराऊंगा आप सारा 10 ईयर का कराऊंगा इसके बाद। अभी ये चैप्टर मैं खत्म नहीं कर रहा, इस चैप्टर का मैं अगली क्लास में भी 10 ईयर का क्वेश्चन करूंगा, और फ्राइडे भी 10 ईयर का क्वेश्चन करूंगा मैं इसका, ऑनर्स का भी और प्रोग्राम का। सो दैट आपको क्लियर हो जाए, एग्जाम वाले क्वेश्चन हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, बस हमने ये 4-5 क्वेश्चन कर लिए, इससे बात नहीं बनेगी आपकी, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। श्रुति का कहना है सर एक्रूवल का दोनों एस्टिमेटेड वाला, एक्रूवल का क्या है, देखो पूछ रहे हैं एक्रूवल का। एक्रूवल में मैं सीधी बात करूं ना, तो एक्रूवल वाले के अंदर कैश रिसीव का कोई रोल नहीं होता, और कैश वाले में कैश रिसीव का रोल होता है। तो एक्रूवल वाले में आपने कितने का काम किया, 40% काम किया, तो आप मान के ये चल रहे हो कि जितना काम किया वो पैसा मिलना तय है। तो 40% किसका हो गया हमारा, 80,000 का 40% निकालो, सीधा 32,000 आ गया, सिंपल सी बात है। कॉर्पोरेट की 10 ईयर 25 तारीख तक मान के चलो आप, बाकी मैं तो पहले ही करा दूंगा, मैं तो आपको विजुअल करा दूंगा, 25 तक आ जाएगा। बच्चे कह रहे हैं कॉर्पोरेट में बैंक है, मैं एक बार चेक करा लेता हूं उसका क्या है। नेक्स्ट चैप्टर मैं फ्राइडे कोशिश कर सकता हूं कि फ्राइडे स्टार्ट कर दूं, नहीं तो मंडे तो डेफिनेटली कर लेंगे, अभी हमारे पास टाइम है, और चैप्टर इतने बड़े नहीं हैं जो कि आपको टाइम उसमें लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी। आप जो चैप्टर बोलोगे ना उस दिन वो कर लेंगे, जो भी चैप्टर आप बोल दोगे, जितने बच्चे ज्यादा कमेंट में रहेंगे वो कर लेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन 5 यहां पे भेज दो आप। फिनिश गुड्स वाला कॉस्ट शीट में आज ना, जिस बच्चे का डाउट कॉस्ट शीट में, स्पेशली मैं बोल देता हूं, जिस बच्चे का डाउट कॉस्ट शीट में है, आप 9:30 बजे के बाद मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, दोबारा भेज दीजिए रीटेक करके, 9:30 से लेके मैं 10:30 बजे तक आपके डाउट ले लूंगा व्हाट्सएप पे, उसको सॉर्ट आउट करके दे दूंगा, ठीक है? चलिए।